हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये व्लॉग है सरकुंडा देवी टेंपल के ट्रैक का। एंड इससे सिर्फ ये ट्रैक का व्लॉग है, और उससे पहले की और बाद की स्टोरी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक आप पहले मेरा ये ट्रैक का व्लॉग देखिए, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, आप सब इंजॉय करोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली गाइज, हम इतने ज़्यादा खतरनाक सड़कों पे ट्रैवल करके, इतने खतरनाक, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक। और इतना तो वीडियो में भी नहीं आ पाया वो रास्ता, मतलब वो कीचड़ वाली रोड कम से कम 7 या 8 बार आई, और एक जगह हमारी स्कूटी स्लिप हुई, मतलब टेढ़ी हो गई। और जो हमारे साथ वो गाइड वाले भैया हैं, उनकी स्कूटी पूरी स्लिप हो गई। उनके साथ नैन्सी थी, तो वो काफ़ी डर गई। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रास्ता, तो जिसको बहुत अच्छे से स्कूटी आती है वही लोग बाइक या स्कूटी लेके आना, नॉर्मल प्लेन रोड्स नहीं है जैसे हम लोग अपने सिटीज़ में चलाते हैं, तो वो रोड्स नहीं है, बहुत अलग है। तो फाइनली हम सरगुंडा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। अब आगे का ट्रैक हम चालू करते हैं। गाइस, हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, तो हम जा रहे हैं सरकुंडा देवी टेंपल, जो थोड़ा मुश्किल ट्रैक माना जाता है। और इतना सुंदर यहाँ नज़ारा है। हम लोगों ने, आप सोच रहे होंगे कि हम कट्टा लेके क्यों घूम रहे हैं, लेकिन हमने इसमें प्रसाद रखा है। गाइस, हमें उस मंदिर जाना है चढ़ाई करके, बहुत थकान हो रही है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और जो लोग नहीं जा सकते उन लोगों के लिए घोड़े भी है, बट मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। सुरगुंडा देवी मंदिर, पौराणिक कथानुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव स्थान से सती का मृत शरीर कैलाश वापस ले गए, जिसका सिर इस स्थान पर गिरा जहां सरकुंडा देवी मंदिर स्थित है। यहां से देहरादून, ऋषिकेश, चंद्रबदनी, प्रतापनगर एवं चक्राता का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के फूल एवं रंग, और यहाँ बहुआयत में स्थानीय जड़ी बूटी उगाई जाती है एवं पश्चिम हिमालय के कुछ खूबसूरत पक्षी यहाँ आसपास पाए जाते हैं। जिस माह में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर यहाँ स्थानीय मेला आयोजित होता है, तब सैकड़ों धार्मिक तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं। तो ये है मान्यता सरकुंडा देवी मंदिर की। गाइस, बहुत गर्मी लग गई है, सो मैंने अपनी जैकेट ऐसे टांग ली है, एक साइड कैमरा, एक साइड बैग है। और काजल नैन्सी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तब तक मैं अकेले ही ट्रैक कर रही हूँ। गाइस, मुझे 10 मिनट हुए होंगे ट्रैक की करते हुए, बट हालत बहुत डाउन है। पर करना तो है, मैं करके रहूँगी। गाइस, बहुत हालत ख़राब हो गई है, वैसे थोड़ा चेंज हुआ है, धूप चली गई और टाइम हो रहा है 1:10। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पहले 1.5 घंटा स्कूटी चला के आई हूँ, उसके बाद ये ट्रैक है। सो गाइस, चलिए चलते हैं। ये है वैसे आगे का रास्ता इधर इस साइड से, बट मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पहुँचूँ, जितने में 3 स्टेयर्स होंगी, फिर शॉर्टकट लग रहा है मुझे, थोड़ी चढ़ाई है, बट आई कैन डू इट। तो गाइस, शॉर्टकट ये है, रिस्क भी पूरा है, मेरा मन है आपको दिखाने का, लेकिन मैं चढ़ूँगी आप लोगों को दिखाऊँ। गाइस, मैंने कहा था मैं कर लूँगी और मैंने कर लिया,
मैं उस नीचे उस रोड से ऊपर आई हूँ। ये शॉर्टकट था, अब बस यहाँ से व्यू देखिए, पूरे पहाड़ों में बर्फ है, इस साइड उस साइड। तो गाइस से ऊपर वाला रास्ता भी मैंने, उस पीछे रोड भी नहीं दिख रही, बहुत नीचे वाली रोड से भी शॉर्टकट से क्लियर करा है, और आगे का रास्ता भी मैं ऐसे ही इस ऊपर वाले रूट से करने वाली हूँ। मैं ऐसे रास्ते पे जाना पसंद नहीं कर रही हूँ, कुछ ट्रैकिंग होनी चाहिए, कुछ मुश्किल भी होना चाहिए। अभी तक बहुत मुश्किल था, बट जैसे मुझे पता चला कि मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं, बस ये चीज़ें परेशान कर रही है, जो ये इक्विपमेंट्स मेरे साथ हैं और ये जैकेट और ये चश्मा। इस टाइम लग रहा है कोई रास्ते में कुछ चीज़ ना अड़े, मैं चढ़ते चले जाऊं, और मैं बहुत खुश हूँ मंदिर जाने के लिए। और जल्दी जल्दी चलते हैं। मैंने नैन्सी काजल से बात करी है, वो काफ़ी नीचे हैं, बट मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रसाद वाला बैग तो उन्हीं के पास है, मेरे पास इतना सारा सामान था। मेरे पता नहीं दांत में क्यों दर्द हो रहा है गाइस, मेरे हाथ ना मतलब काले पड़ गए हैं, वो जब बहुत ज़्यादा हमें सर्दी हो जाती है इतने सुन्न हो जाते हैं हाथ, तो फिंगर स्वेल हो जाती है ना, ऐसा मेरे साथ हो गया। अब ये रिंग्स ना मुझे टाइट आ रही है और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हाँ अब जल्दी से वो लोग आए, मैं उनसे प्रसाद दूँ और फिर मैं आगे की पूरी चढ़ाई करूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा वो करने के लिए आ रहे होंगे, तो आशीर्वाद ले लो। अभी हमने एक जगह रेस्ट करा है जहाँ हमें काजल नैन्सी मिल चुके हैं, और ये रही नैन्सी, काजल मुझसे आगे चली गई है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, और अभी चढ़ाई करते समय कोई नहीं था, और अचानक से इतनी प्यास लगी और मेरे को खांसी स्टार्ट हो गई, और मेरे को इतना डर लगा अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे कुछ हो ना जाए, बट मैंने हिम्मत करी, मैं चढ़ी। फाइनली मैंने पानी पी लिया एक शॉप से लेकर। हाय नैन्सी, गाइस मैं कुछ नहीं कह सकती, इतनी ज़्यादा थक गई, मुझसे एक वर्ड भी बोला नहीं जा रहा, और मैं मंदिर के बहुत ज़्यादा पास हूँ, मैं मंदिर दिखाती हूँ। गाइस मैं रेस्ट कर रही हूँ, लग रहा है अगर एक भी सांस ऊपर नीचे हुई तो मैं नहीं बचूँगी। यहाँ का वेदर इतना अलग हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। अब मुझे ये है टेंशन कि जब मैं ट्रैक कर लूँगी, फिर तो ट्रैक करूँगी, इस बात की टेंशन है। उसके बाद नीचे उतर के मुझे डेढ़ घंटा स्कूटी चलानी है। माता रानी अब तो बुला लो, अब मैं गिर जाऊँगी, प्लीज़ बहुत थक गई हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे स्ट्रगल के लिए एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइस मुझे लगता है हम मंदिर आ चुके हैं, आई थिंक सो वो मंदिर है, ये मंदिर है, तो मैं बहुत खुश होऊंगी। गाइस फाइनली मैं सुरकुंडा देवी मंदिर पहुंच चुकी हूँ, एंड यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी अचीवमेंट मुझे मिल गई है। गाइस ये उत्तराखंड का एक तरीके से ढोल बोल सकते हैं आप इसको, सुन के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे। बस ये यात्रा, ये दर्शन मेरे आगे की लाइफ के लिए मंगलमय हो,
साथ साथ मेरा परिवार, मेरे दोस्त और जितने भी आप सब लोग की वीडियो देख रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे हो, सब कुशल मंगल रहें। और जिसे ट्रैकिंग पसंद है और मंदिर आना चाहते हैं यार, वो प्लीज़ ज़रूर आएँ। जो नहीं आ सकते हैं वो हॉर्स राइड करके भी आ सकते हैं, बट जो चढ़ के आने के बाद यहाँ मज़ा है वो कहीं नहीं है। और गाइस अब देख रहे हैं पीछे इतना ज़्यादा फॉग है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट हम बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं। ये बहुत टॉप पे मंदिर है, मैं अभी आपको पता करके ज़रूर बताऊंगी ये कि कितना ऊंचाई पर है। अब ये देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ छोटी छोटी कितनी सारी बर्ड्स हैं। पहले मुझे लगा कितने सारे चूहे कहाँ से आ गए, बट ध्यान से देखो तो ये बर्ड्स है, इतना सुंदर है ये सीन। और वो जो छोटे से दिखे हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, वो रही काजल, वो रही नैंसी। काजल नैंसी इतनी दूर है अभी, ना यहाँ से ऐसे चढ़ के फिर यहाँ से फिर ऐसे आएंगे फिर ऊपर आएंगे। करो अंकल करो, चल कहाँ पर है, कितना छोटा सा है ना ये माता जी, जोर से बार बार टूट गया वही पानी निकल गया। गाइस यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, सो बहुत ठंडा मौसम है। मैंने पूछा यहाँ पर कुछ लोगों से तो उन्होंने बोला आज ही ऐसा मौसम हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, हमें कोई सीन ही नहीं दिख रहा बना। सो गाइस अभी हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, नारियल फोड़ दिया, नारियल पानी पी लिया, अच्छे से दर्शन कर लिए, अब हम परिक्रमा कर रहे हैं, देन हम लोग नीचे उसी रास्ते पे जाएंगे जहाँ हमने स्कूटी खड़ी करी है, तो हमारा ट्रैक पूरा हो जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी, बहुत पीसफुल प्लेस है। और जो डनॉल्टी आ रहा है वो ज़रूर यहाँ इस मंदिर आए। गाइस अब हमने नीचे जाने की तैयारी कर ली है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पहाड़ों में, और नीचे जाने का रास्ता भी कोई आसान नहीं है, जितनी चढ़ाई थी अब उतनी ही ढलान है, पैरों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है, और जो पैरों की फिंगर्स है टो का तो नेल इतना दर्द कर रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है उस पर, एकदम ऐसे इतना नीचे जाना है। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी हमें जॉर्ज एवरेस्ट भी जाना है। नहीं डर रही,